गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पीएचडी एक्वा। तो आज हम बात करने में चले हैं हमारे ये वाले जो प्लांट टैंक है इसके ऊपर, जो कुछ 7 दिन पहले ऐसा दिखता था अब कुछ ऐसा दिखता है। मिरेकल। तो वीडियो में पूरा पूरी बने रहना, वीडियो के एंड में एक खुफिया चीज यानी कि एक सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए। और वीडियो को पूरा पूरी देखना मैं कैसे मेरे टैंक को मेंटेनेंस कर रहा हूँ। और मेरे चैनल में नए हो तो भाई जाओ जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, हमारा 1K कुछ दिनों में होने वाला है तो जाओ सब्सक्राइब करो और हमारे 1K के फैमिली में ज्वाइन हो जाओ। तो चलो ज्यादा देर नहीं के चलते वीडियो की ओर। तो अभी फिलहाल हम हमारे टैंक की ओर आ चुके हैं और इधर देख सकते हो इधर हमने एक बेटा फिश को छोड़ दिया है। तो इस टैंक में बेटा फिश को छोड़ कर 2 नियॉन टेट्रा और 2 विडो टेट्रा है। विडो टेट्रा के अंदर एक येलो कलर का है और एक पर्पल कलर का है। तो हमारे इस टैंक में 6 नियॉन टेट्रा हुआ करता था बट अभी 2 है, वो कहानी मैं बाद में सुना दूंगा। और इधर भाई देख सकते हो प्लांट का कितना खूबसूरत ग्रोथ आया है। मैंने कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या सीयूटो को यूज़ नहीं किया है बट फिलहाल फिर भी हमारा जो प्लांट है वो बहुत ही खूबसूरत ग्रो कर रहा है। तो प्लांट को साइड में रखते और ये देख सकते हो ये है हमारा जो टैंक, इसके सरफेस में बहुत सारे गंदगी है। ये आयरन है भाई, वाटर का जो आयरन है वो, और गर्मियाँ भाई इतना हो रहा था ना भाई, जो हमारा टैंक है उसका भाई 2 इंच तक पानी उतर चुका है, देख सकते हो 2 इंच तक पानी उतर चुका है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये सरफेस में जितने भी सारे गंदगी है और ये देख सकते हो छोटे छोटे सरफेस में कुछ है, तो हाँ यही है भाई लास्ट वाला जो सरप्राइज है उससे रिलेटेड है बट मैं अब नहीं बताऊँगा क्या है। तो लास्ट तक बने रहना और देखते रहना। तो चलो ज़्यादा देर न किए, इसको मैनुअली भाई साफ करना पड़ेगा, मैं बाद में एक DIY सरफेस स्कीमर बना दूंगा और दिखा दूंगा। तो अभी तो इसको मैनुअली नहीं हाथ से ही साफ करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो ये हमारे पास एक मग है जिससे कि मैं ये गंदगी को साफ करने वाला हूँ। तो आप क्या करना, आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, मग या कोई भी चीज़। लेने के बाद ऐसे ऐसे धीमे धीमे करके ऊपर का जो गंदगी है इसको ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता खींचना पड़ेगा। ये हाँ ऐसे देख रहे हो कैसे आ रहा है गंदगी, सारा गंदगी मेरे इस मग में जमा हो रहा है। ये देख सकते हो नीचे की ओर कितने सारे गंदगी है। तो चलो इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, इसके बाद भी बहुत सारे हमारा काम है उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलो इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो इधर देख सकते हो हमारा सरफेस पूरा पूरी क्लीन हो चुका है और इधर इधर से प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो प्लांट तो भाई बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और सरफेस भी क्लीन हो चुका है बट इधर जो पानी का लेवल था वो बहुत ही कम हो चुका है तो उसको रीफिल करेंगे। बट उससे पहले हमारा जो ग्लास है इसमें बहुत सारे वाटर के स्टेम यानी कि वाटर के धब्बे दाग हैं तो उसको साफ़ करने पड़ेगा। तो उसको साफ करने के लिए मैं एक ब्लेड का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप प्रोफेशनल है या आपका आदत है तो भाई आप ब्लेड का यूज़ करो, नहीं तो मैं कहूँगा दूसरा कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, दूसरा कोई भी थोड़ा थोड़ा तेज़ चीज़ का, क्रेडिट कार्ड पैन कार्ड पुराना वाला उसका यूज़ कर सकते हो, इससे भी क्लीन हो जाता है बट थोड़ा टाइम लेता है। और आप जब ब्लेड यूज़ करना भाई बहुत ही सावधानी से यूज़ करना क्योंकि जो आपका हाथ है वो भी कट सकता है और जो ग्लास का सिलिकॉन है कॉर्नर कॉर्नर में जो पेस्टिंग है सिलिकॉन का वो भी लीक हो सकता है। तो भाई बहुत ही सावधानी से करना। तो चलो हम हमारा काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो इधर देख सकते हो हमारे टैंक में जितने भी सारे पानी के दाग और धब्बे थे वो पूरा पूरी रिमूव हो चुका है और इधर हमारा सरफेस भी क्लीन हो चुका है। तो हमारे टैंक में से जितना भी सारा पानी घट चुका है उसको हम रीफिल करेंगे। रीफिल करने के बाद फाइनल लुक भाई बहुत ही मस्त आने वाला है, देखते रहो। तो चलो जल्दी जल्दी पानी ऐड कर देते हैं, पानी ऐड करने के बाद फाइनल लुक की ओर चलते हैं। तो इधर देख सकते हो हमारा इधर पानी पूरा पूरी फिल हो चुका है। फिल होने के बाद यह फाइनल लुक भाई कतई भाई जहरीला लग रहा है, कतई जहरीला, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फाइनल लुक। और प्लांट का ग्रोथ का तो भाई क्या ही कहने, बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ है। और हाँ और एक बात बोल देता हूँ, आपको पूरा पूरी प्लांट टैंक बनाना है ऐसे वाला प्लांट टैंक पूरा पूरी लो कॉस्ट में। इधर जितने भी सारे प्लांट है फ्री का प्लांट है, डीप रूट फ्री का है, लाइट लो कॉस्ट का है, मिट्टी यानी कि सॉइल जो है वो फ्री का है, सैंड वो भी फ्री का है।
तो मैंने बताया था लास्ट में एक सरप्राइज़ दूंगा आप लोगों को, तो चलो ये देख सकते हो, टड़ा, ये है आपका सरप्राइज़, यानी कि ये टैंक। तो ये टैंक हमारा बाबू भैया का है, और ये देख सकते हो मैंने दीवार पे सेट किया इस टैंक को, तो इस टैंक के ऊपर फुल वीडियो आ जाएगा, देख लेना। और मैंने बोला था हमारे टैंक के सरफेस पर, इस टैंक में, बड़े वाला प्लांटेड टैंक के सरफेस में कुछ छोटा छोटा सफ़ेद सा है, वो था इस टैंक का जो थर्मोकोल है इसके नीचे का, उसका डस्ट, यानी कि उसका छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है थर्मोकोल का, वो इधर आ चुका था, इसलिए थोड़ा और ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो इस छोटे वाले टैंक के ऊपर वीडियो आ जाएगा, देख लेना। और आप जानना चाहते हो मेरे पास कितने सारे एक्वेरियम हैं, यानी कि ग्लास के एक्वेरियम, तो भाई कमेंट करो, मैं दिखा दूंगा मेरे पास कितने सारे एक्वेरियम हैं। तो ये तो था हमारा प्लांटेड टैंक का 7 दिन का अपडेट और कुछ मेंटेनेंस। तो वीडियो खत्म करने से पहले जो लोग मुझको इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मेरे चैनल में नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो जाओ जाकर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा कुछ दिन में 1K कंप्लीट होने वाला, तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो और हमारे 1K के फैमिली में ज्वाइन हो जाओ। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए फिर से एक बार बाय बाय।